गोपबंधु गोटे बोध कही नी विश्व मोर देश मटी से देशवासी चली जाते पीठ से प्रेरणा देने वाला उनका काम कितना सराहनीय है। वह गोपबंधु दास के दूसरों के प्रति सेवा भाव से प्रेरित है। अपनी सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि से उन्होंने ग्रामीणों के दुख का कारण रही सालंदी नदी पर एक पुल बनाया। उन्होंने ग्रामीणों के लंबे समय से पल रहे सपने को पूरा किया है। लोग अब आसानी से नदी पार कर सकते हैं। ऐसा काम करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त पशुधन निरीक्षक गंगाधर राउत थे। ये केउंझर जिले के हटडीह ब्लॉक के कानपुर गांव के रहने वाले हैं। यदि मु चाकरी कर रिटायर कर जो पैसा पाइनी जदि कार कर चढ़ी था तेनाली परिवार दु चार जन जाइ था मुझे एमती गोटे कार तैयारी करवा जहाँ कि सब जिते दिन कार थी समस्ते मत मन रखुवे ये रिटायर्ड पैसा पोलटा करने को इच्छा कले सी से ही पैसा पोलटा कम्प्लीट कले लोक मानकर सुविधा है लोक मैंने उपकृत हेले से आम भी खुशी गाँ लोक भी खुशी। नदी के दूसरी ओर खेती की जमीन और बाग बगीचे थे। सलांडी नदी के उस पार जाने के लिए कोई स्थायी पुल नहीं था। लोग बेहद जोखिम उठाकर नदी पार करते थे। प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों की चुप्पी के कारण पुल अधूरा रह गया था। तीन पंचायतों के लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा था। इससे गंगाधर को बहुत दुख हुआ। वह अपनी पेंशन के रूप में मिली राशि से कार खरीदने के अपने निर्णय को बदलकर ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी पेंशन की राशि का उपयोग करके पुल का निर्माण कराया। पुल बहुत असुविधा चल था खाली अल्प टिकला बाउंश चार चल बहुत असुविधा होता आपरे दादा तर रिटायर्ड कले पेंशन पैसा पोलटा कम्प्लीट करदे आमको टे भल सुविधा हो सी सुख समृद्धि वृद्धि करेंगे कौन सी लोकर यही मानने आशा पूरण करने पी चेष्टा कले किपर पोलटे संपन्न करे तेनाली से 15-16 लक्ष टा खर्च कर पोलटे संपन्न करम ग्रामवासी निकट में तथा पर निकट कृतज्ञ। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गंगाधर राउत उदारता और निस्वार्थ सेवा के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने अनोखे प्रयास के कारण उनकी हर जगह वाहवाही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।